Hello friends, this is Dr. Abhilash Modi. I welcome you all on Dr. Modi's Motivational Dhaba. I am very, very happy guys today, because today after a very long time, I am going to shoot something for you people. And today's topic is really amazing, really phenomenal, and I really love to speak about this. Guys, आज का जो topic है वो बहुत ही अच्छा topic है. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना प्रेफर करूंगा ताकि हर एक बच्चा, हर एक इंसान जो उसको सुन रहा है वो समझ पाए. आज का हमारा टॉपिक है लेट्स थिंक नेगेटिव. लेट्स थिंक नेगेटिव, यस नॉट पॉजिटिव. आपने सही सुना, लेट्स थिंक नेगेटिव. गाइस हम पॉजिटिव तो सोचते हैं, पर आज चलो नेगेटिव सोचते हैं यार. अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में नेगेटिव सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पॉजिटिव सोचने से. आप सोच रहे होंगे शायद मैं पागल हो गया हूं, मैं टीचर हूं पर मैं पागल हो गया हूं, इस कारण से मैं ऐसी बातें कर रहा हूं. ऐसा नहीं है. नेगेटिव सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ओवर पॉजिटिव है अपनी जिंदगी को लेकर के. उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा उनकी जिंदगी में. जैसे एक बच्चा जो 18 साल का है, उसको लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ा होऊंगा, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, 10-15 हजार वाली नहीं, 40-50 हजार होगी, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके कुछ टाइम बाद मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी बिल्कुल सही होगी, उसका व्यवहार बिल्कुल सही होगा, उसे ऐसा लगता है. उसके बाद मेरे बच्चा हो जाएगा, उसको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी, वो इंटेलिजेंट ही होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, उसके कुछ टाइम बाद उसकी भी शादी हो जाएगी और मैं स्मूथ जिंदगी जी पाऊंगा, इसलिए मुझे किसी भी तरीके की प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है. हम ऐसा सोचते हैं. यही कारण है कि आज के स्टूडेंट्स, आज के जो यूथ हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए. एक चीज पे मैं पूरा बिलीव करता हूं गाइस, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, या तो आप पागल हो इस कारण से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, या ओवर पॉजिटिव है जिंदगी को लेकर के कि मुझे पता है कुछ गलत नहीं होने वाला मेरे साथ, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा. इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है. प्लीज दो चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. पहली चीज ये कि आप हल्का सा नेगेटिव रह करके सोचे जिंदगी को कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके साथ कैसे डील करूंगा. सिर्फ पॉलिसीज कराने से या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कराने से कुछ नहीं होगा. उससे आपका शरीर तो बच जाएगा, पर आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है वो सारे एज इट इज पूरे हो जाएंगे जैसा मैं करना चाहता हूं? नहीं गाइस. हो सकता है वो उससे बेहतर हो जाए और हो सकता है वो उससे भी बदतर हो जाए. बेहतर होना बदतर होना हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में यह है कि मैं एक प्रॉपर प्लानिंग करूं अपनी जिंदगी की. क्या करें आप लोग, अगर आप 17 साल के हैं, 18 साल के हैं और मुझे सुन रहे हैं, जिस भी ईयर में आप जी रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इस चीज को ध्यान से समझें. अपने काम की एक लिस्ट बनाएं, मुझे करना क्या है, वास्तविकता में मुझे क्या करना है. जब मैं ऐसा कहता हूं बच्चों को कि प्लीज अपने कामों की लिस्ट बनाओ, बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है यार, मुझे पता है क्या करना है, मुझे उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या लिस्ट बनानी, क्या बकवास बातें हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनाना, मेरे को बताने दीजिए आपको प्लीज. देखिए लिस्ट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझे एक एग्जांपल बताने दीजिए. जैसे सपोज कीजिए कोई बहुत पैसे वाला इंसान है, वो हमारे शहर में रहता है और उसकी शादी, उसके घर में शादी है, एक दो दिन बाद शादी है. वो कुछ लिखे नहीं कि वो सोच ले कि मेरे माइंड में है ना मुझे कैसे कैसे शादी करनी है, तो मैं कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास खूब पैसा है. आपको लगता है वो शादी कर पाएगा सही ढंग से जैसे होनी चाहिए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. सिक्वेंशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है थॉट्स का. जब तक थॉट्स सिक्वेंशलाइज नहीं होंगे, जब तक थॉट्स प्रॉपर बैलेंस्ड नहीं होंगे, जब तक थॉट्स को पता नहीं है कि मुझे किसके बाद किस थॉट को लाना है, जब तक हमें पता नहीं है किस थॉट के बाद कौन सा थॉट आना है, तब तक सही ढंग से काम नहीं होने वाला. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज 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 अपने थॉट्स को लिखें. मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये 4 प्रॉब्लम्स 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या इजी सॉल्यूशंस हैं, सबसे पहले मैं क्या सही कर सकता हूं, उसके बाद में मैं क्या सही कर सकता हूं. तो गाइस देखिए मैं थोड़ा सा सम अप करके बताता हूं जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं उसको. पहले नंबर पे ये चीज करें आप लोग प्लीज कि सबसे पहले देखिए मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसके अंदर मेरा मन बहुत ज्यादा लगता है. पहली चीज ट्राई करें उसी के अंदर करियर बनाने की ट्राई करो. नेक्स्ट नंबर पे अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मां बाप का सपना पूरा कर ले, उसके बाद अपना सपना पूरा कर ले किसी ना किसी तरीके से. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका सपना है कि मुझे सिंगर बनना है, आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा तो सीए कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं. हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, पेरेंट्स के सपने ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं.
मतलब 7-8 साल वाले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल में आप बन सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वाले सपने इतने बड़े हो ही नहीं सकते। पेरेंट्स चाहते हैं 4-5 साल बच्चा स्ट्रगल करे और जिंदगी भर बैठे बैठे कमाए, तो ऐसे सपने बड़े हो ही नहीं सकते। पहले अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर दो, ठीक है। सिंगर बनने में आपको थोड़ा सा लेट हो जाएंगे उन लोगों से, और आपका कॉम्पिटिशन खुद से बढ़ जाएगा, पर एटलीस्ट कंक्लूसिवली हो सकता है आप पहुंच जाए उस मुकाम पर जो आप बनना चाहते हैं। तो पहले नंबर पर अपनी स्ट्रेंथ लिखें और ट्राई करें उसी के अंदर अपना करियर बनाए। नहीं होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप एक चीज कर सकते हैं उस केस में कि पहले माँ बाप के सपने पूरे करें और उसके बाद में जाकर के आप खुद के सपने पूरे करें। तो पहली चीज तो इसको ध्यान में रखें। सेकंड नंबर पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में जो मेरा सपना है, जो मेरी लाइफ है, चाहे मेरे पास वो सपना है या नहीं है, पहली चीज तो ट्राई करें कि आप सपना रखें। नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस चीज को ट्राई करें प्लीज कि एक सपना रखें और सपने के अकॉर्डिंग काम करते रहे। और सपना नहीं है तो भी प्लीज एक बार सोचो कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा। मुझसे किसी इंसान को 10 मिनट नहीं सुना जाता है, मुझे 5 मिनट बैठना नहीं आता है चेयर पर बराबर से, मैं इधर से उधर घूमता रहता हूं, मैं कैसे 10 घंटे की जॉब करूंगा, मैं कैसे सोच रहा हूं कि मैं 40,000 रुपये कमा लूंगा, 50,000 रुपये कमा लूंगा 12 घंटे इस जॉब को करके, ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करने का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस चीज को समझ पाए कि मुझे वास्तव में करना है, क्या उसको मैं कर भी पाऊंगा या मैं यही सोच रहा हूं कि कर लूंगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जब एक बच्चा सोचता है कि मैं कर लूंगा और वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता उस चीज के अकॉर्डिंग, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स उसको आती है। जब वास्तव में प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती है तो हिल जाता है, उसको लगता है दुनिया बड़ी बुरी है, जिंदगी बड़ी बुरी है। अगर आप नहीं चाहते ऐसी किसी भी तरीके की फीलिंग को फील करना, सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें पॉलाइटली बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। एज ए ह्यूमन बींग मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना एक टीचर हूं ना एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं एज ए ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसे कुछ पता है तो दूसरे ह्यूमन के पास ट्रांसफर करे। तो ये एक जरिया है, ये ना सोचे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं या मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूं या मैं एक टीचर हूं तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे करो। मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता, मैं कौन होता हूं बताने वाला, मैं केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको लिखें और जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली है उसको लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम उसको लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी हो पाएगी, वरना क्या होगा जब वो प्रॉब्लम्स आएगी। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, एक पर्सन है जो दिन भर घूमता है या उसका स्केड्यूल कुछ इस तरीके का है, वो सुबह उठता है लगभग 8 बजे, कोचिंग चला जाता है 9:30 बजे, 10 बजे घर आता है, उसको नाश्ता मिल जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो वापस टीवी देख लेता है थोड़ी देर के लिए, उसके कुछ टाइम बाद वो घूमने निकल जाता है, उसे कुछ टाइम बाद वापस आता है, दिन में आकर के सो जाता है, रात में खाना खाता है, मोबाइल चलाता है, फिर सो जाता है। उसका डेली स्केड्यूल इस तरीके का, और कभी कभी पढ़ाई कर लेता है वो, या दिन में वो कोचिंग चला जाता है। इसने कभी भी टिकना सीखा ही नहीं एक जगह पर, कभी भी बोरिंग जगह पर अपना दिमाग को लगाना सीखा ही नहीं। जब उसको जॉब करना पड़ेगा तो उसको वास्तव में जॉब करना पड़ेगा, उसको जॉब से प्यार होगा ही नहीं, जैसा मैंने लाइन में बोला, उसको जॉब करना पड़ेगा। ऐसे ही लोग कहते हैं मुझे जॉब करना पड़ रहा है, तो उनको मजा ही नहीं आ रहा जॉब के अंदर, कमा रहे हैं 30,000-40,000 रुपए हो सकता है अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, उनको मजा ही नहीं आ रहा। और अगर आप अपने जॉब से प्यार नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता ऐसे जॉब का कोई भी मतलब है। आप सिर्फ एक ATM मशीन हो जो पैसे छापे जा रही है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई करें प्लीज एज ए ह्यूमन, मेरी रिक्वेस्ट है, चीज जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, आपकी जो भी वीकनेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लिखें। ज्यादा वीकनेस नहीं होती इंसान में, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका एंगर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर ये कुछ एक क्वालिटीज आप में है तो लाइफ बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने के अंदर। आपको लगेगा कि यार मैं एक अलग लेवल पे जिंदगी जी रहा हूँ, लोग समझ ही नहीं पा रहे मैं एक अलग लेवल पे जिंदगी जी रहा हूँ। तो गाइज आज की हमारी वीडियो इस बारे में ही थी कि किस तरीके से पॉजिटिव सोचा जाए, पर मेरा थोड़ा तरीका अलग था। गाइस प्लीज इतना और पॉजिटिव ना हो अपनी जिंदगी को लेकर के कि आप अपने वीकनेस पर काम करना ही बंद कर दें क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ठीक है जिंदगी अच्छी चल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव रहें जिंदगी के प्रति, अगर आप नेगेटिव नहीं रहते हैं लाइफ के प्रति तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में कि मैं एटलीस्ट जो आने वाले चैलेंजेस उसके लिए प्रिपेयर तो हूं। एक परीक्षा आने वाली है प्रिपेयर ही नहीं कर रहे और सोच रहे पास हो जाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्राई करें जो एग्जामिनेशन जिंदगी के एग्जाम उन लोगों के लिए है, लाइफ एक बैटल ग्राउंड उन लोगों के लिए है जो वास्तव में प्रिपेयर करना नहीं चाहते अपने आप को, जो प्रिपेयर करना चाहते उनके लिए प्ले ग्राउंड है, उनको खेलना है, मजे लेने हैं जिंदगी के, उनको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं वाली किसी तरीके की। तो गाइस इट वॉज डॉक्टर अभिलाष मोदी और मैंने ट्राई किया अपने लेवल पे आपको ये समझाने के लिए कि प्लीज हल्का सा नेगेटिव होने जिंदगी के लिए, क्योंकि नेगेटिव होने पर आप फ्यूचर में फॉर एवर पॉजिटिव हो जाएंगे।
और अगर अभी आप कुछ समय के लिए ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो गए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मुझे सही पत्नी ही मिलेगी, मेरे बच्चे सही होंगे, मुझे अच्छी जॉब ही मिलेगी, तो वो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि हमको उस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, इट वाज डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।